आज हमारे सामने टाटा नेक्सॉन और ये है इसका XMS वेरिएंट। ये आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में मिल जाता है और ये एक वेरिएंट है जिसमें आपको सनरूफ मिल जाएगा, मतलब ये सबसे सस्ता वेरिएंट है टाटा नेक्सॉन का जहां से आपको सनरूफ मिलने लग जाएगा। इसके एक शोरूम की प्राइस की बात की जाए तो ये आपको 8,51,000 का मिल जाएगा और ऑन रोड आपको पड़ जाएगा 9,64,000 तक। और इसकी कीज़ आपको कुछ ऐसी मिल रही है, तो यहाँ पे आपको इसका लॉक एंड अनलॉक का बटन देखने को मिल जाएगा। ये बेसिकली आपकी एक फ्लिप की आपको देखने को मिल रही है इसमें। यहाँ पे फॉलो मी होम का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो इस बटन को आप प्रेस करोगे तो आपकी लाइट्स ऑन एंड क्लोज हो जाएंगी। और अब ओपन करते हैं इसका इंजन बे। यहाँ पे आपको इंसुलेशन देखने को मिलती है और जो ऊपर का मटेरियल है ये पूरा रबर से कवर्ड है। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो वाकई काफ़ी अच्छी है। जब आप इसका बोनेट ऊपर करेंगे तो आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाएगा। और ये इसका कुछ ऐसा इंजन सेटअप देखने को मिल रहा है आपको। यहाँ पे आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाएगा। ये 3 सिलेंडर इंजन है और इसमें आपको 118 bhp की पावर मिल रही है और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल रहा है। कंपनी क्लेम करती है 17 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज। यहाँ पे आपको इसका सेटअप दिख रहा होगा अंदर का। इस साइड पे टाटा की बैजिंग है और पीछे की साइड पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सारा इंसुलेशन से कवर्ड है, जिसका मतलब गाड़ी की हीट एंड नॉइस है वो आपके कैबिन में अंदर नहीं आएगी। और यहाँ भी आप देख रहे होंगे फिट एंड फिनिश इसकी काफ़ी अच्छे से रखी गई है। तो करते हैं इसको क्लोज़। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट लुक्स की, तो काफ़ी अच्छी लगती है फ्रंट से देखने में। यहाँ पे आपको सबसे पहले टाटा की बैजिंग दिख रही होगी और ये है इसकी ग्रिल, जिसको टाटा बोलता है ह्यूमैनिटी ग्रिल। ये जो ट्रायर शेप का पैटर्न आपको यहाँ पे और ये नीचे वाली ग्रिल पे देखने को मिल रहा है, तो ये अंदर भी आपको काफ़ी जगह देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपकी लाइसेंस प्लेट लग जाती है। और बात करें इसके लाइट्स की, तो ये भी इन्होंने अपग्रेड किया है फेसलिफ्ट में। यहाँ पे आपको LED DRLs देखने को मिल जाएंगे। यहाँ मिलता है प्रोजेक्टर हेडलैम्प और ये एक कन्वेंशनल लैम्प मिलता है आपको यहाँ पे। तो ऐसा कुछ इसका लाइट सेटअप है। नीचे आ जाते हैं तो नीचे आपको यहाँ पे एक टर्न इंडिकेटर मिलता है और ये एक हाउसिंग दी गई है। यहाँ पे आप बाद में अपना फॉग लैम्प लगवा सकते हैं। ये सी शेप का एलिमेंट दिया गया है यहाँ पे पियानो ब्लैक में। और ये इसके फ्रंट की लुक कुछ ऐसी है। हल्की सी बोनेट क्रीजेस भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और ऊपर इसमें दो वाइपर्स मिल जाते हैं। ये ट्विन ब्लेड वाइपर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। बात करते हैं इसके साइड लुक्स की, तो ये आपको सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV देखने को मिल जाएगी। इसकी जो विड्थ है वो 1811 mm की दी गई है और हाइट भी गाड़ी की अच्छी रखी गई है, 1600 mm की हाइट है इसकी। इसकी वजह से जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो यहाँ पे आपको 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, जो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। और व्हील बेस भी अच्छा है, यहाँ पे आपको 2.5 मीटर का व्हील बेस दिया गया है। साइड पे साइड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं और ORVM आपका ये ब्लैक में दिया गया है क्योंकि XMS वेरिएंट आपका आता है। और यहाँ पे आपको ये स्ट्रिप मिलेगी ग्रे कलर की, तो ये हर एक वेरिएंट में आपको बॉडी कलर से डिफरेंट ही ये स्ट्रिप मिलेगी जो पूरी कंटिन्यू होती है यहाँ बैक तक। बी पिलर आपको मिल जाएगा पियानो ब्लैक में। और नीचे की बात की जाए तो ब्लैक में आपको ये डोर हैंडल्स मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको की इंसर्ट मिलेगा। इसके व्हील्स की बात की जाए तो इसमें आपको स्टील रिम व्हील मिल रहे हैं 16 इंच के, जिनका टायर सेक्शन है 195/60 R16। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा व्हील कप भी दिया गया है, टाटा की ब्रांडिंग इसके बीच में है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है और यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट मैकफर्सन सस्पेंशन देखने को मिलेगी। ऊपर की साइड भी आपको यहाँ पे बॉडी क्लैडिंग देखने को मिल रही है यहाँ पे, और ये पूरी कंटिन्यू पीछे तक है। रियर व्हील पे भी सेम आपकी दी गई है। साइड पे आपको डोर पे मोल्डिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब रियर की बात की जाए तो यहाँ आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलती है और इसमें यहाँ पे सस्पेंशन दी गई है। ये सेमी इंडिपेंडेंट ट्विस्ट बीम कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ऊपर की साइड दिए गए हैं रूफ रेल्स, तो ये सिल्वर फिनिश में दिए गए हैं, गाड़ी की लुक्स को और एनहांस करते हैं। और यहाँ पे आपको ये रूफ का डिज़ाइन दिख रहा होगा। तो ये सबसे सस्ता वेरिएंट है नेक्सॉन का जिसमें आपको सनरूफ देखने को मिलता है। तो अंदर चल के ये भी खोल के दिखाते हैं। और सबसे पहले ऊपर आपको यहाँ टीना देखने को मिलता है और ये इसका रियर स्पॉयलर है। इसकी इंटीग्रेशन काफ़ी अच्छी है, स्लोपी डिज़ाइन है, ये आपको दिख रहा होगा साइड से कुछ ऐसा स्लोपी डिज़ाइन है यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो नीचे आपको इसमें हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने को मिलेगा और नीचे टाटा की ब्रांडिंग। यहाँ पे आपको ये जो एलिमेंट है ये ग्लॉसी ग्रे कलर की फिनिश में देखने को मिल जाएगा। ये इसकी टेल लाइट का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। यहाँ पे आपको ये ट्विन LED लाइट्स मिल जाएंगी। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर दिया और पीछे आपको रिवर्स लाइट देखने को मिलती है। तो करते हैं इसका बूट स्पेस ओपन। यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख जाएगा ये जो पैनल है ये पूरा आपको कवर्ड मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात है। और ऊपर की साइड यहाँ पे आपको ये हैंडल मिल जाएगा ग्रैब करने के लिए। तो यहाँ पे आपको 350 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिल रहा है। पीछे आपको लाइट भी दी गई है यहाँ पे। और यहाँ दो ग्रोसरी हुक्स मिल रहे हैं आपको, 3 kg का वेट आप इन पे ले सकते हो। दूसरी साइड भी आपको यहाँ पे ग्रोसरी हुक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे टूल किट दी गई है। और नीचे की बात की जाए तो आपको स्पेयर व्हील देखने को मिलेगा।
ये मिल रहा है आपको स्पेयर व्हील स्टील रिम में, और ये भी आपको 16 इंच का दिया गया है यहाँ पे। तो करते हैं इसके बूट को क्लोज। नीचे की साइड आपको ये बम्पर मिल रहा होगा इसका, यहाँ पे लाइसेंस प्लेट लग जाएगी आपको, और ये लाइट्स मिल रही है इसके लिए, और बम्पर पे आपको दो पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे। पीछे की साइड रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं जिन पे डिटेलिंग मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ भी आपको ये ट्रायरो शेप का पैटर्न देखने को मिल जाएगा, और इसके बम्पर पे भी आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। नीचे की बात की जाए तो यहाँ पे आपका एग्जॉस्ट मिल रहा है, और ये अंडर बॉडी कवरिंग आपको यहाँ से दिख रही होगी। दूसरी साइड पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको इसका फ्यूल लिड देखने को मिलेगा। तो 44 लीटर्स की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है। इसको करते हैं क्लोज। अब एक और चीज़ दिखा देता हूँ, जैसे आप गाड़ी करेंगे लॉक तो आपके जो ये ORVMs है ये भी लॉक हो जाएंगे, ये भी फोल्ड हो जाएंगे, और जैसे आप इसको अनलॉक करोगे तो ORVMs आपके ओपन हो जाएंगे। खोलते हैं गाड़ी को, तो ये है इसका डोर पैनल। डोर की ओपनिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है, वाइड ओपनिंग दी गई है। नीचे आपको यहाँ पे वार्निंग लाइट्स देखने को मिल जाएंगी। और डोर पैनल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ये ग्लॉसी ग्रे कलर का एलिमेंट देखने को मिलेगा इसके डोर पे, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिया गया है। यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो के बटन, ड्राइवर साइड आपको वन टच डाउन के साथ दिया गया है। ये अनलॉक हैंडल आपका प्लास्टिक में दिया गया है। ORVM के कंट्रोल आपको यहाँ ऊपर देखने को मिल जाएंगे, तो इनकी हेल्प से आप ORVM कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्पीकर मिल रहा है, 4 स्पीकर सिस्टम यहाँ पे दिया गया है हर्मन कार्डन का। ये ट्विटर्स मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको स्पेस मिल रही है अम्ब्रेला रखने के लिए, और यहाँ पे बॉटल होल्डर है, तो यहाँ पे अपनी बॉटल 1 लीटर की रख सकते हो बहुत ही इजीली। और सीट्स की बात की जाए तो ये 6-way एडजस्टेबल मैनुअल सीट्स है आपकी, ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों ही। तो यहाँ पे आपको ये 6-way एडजस्टमेंट के साथ मिल जाएगी, हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो सीट की बात की जाए, इसकी जो कुशनिंग है वो काफ़ी अच्छी है, जो ट्रायरो शेप का जो पैटर्न है वो यहाँ भी आपको इसके सीट्स पे देखने को मिल जाएगा। नीचे की साइड यहाँ पे आपको फुटरेस्ट मिल रहा है, और ये तीनों पेडल्स मिल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी स्पेस है कुछ सामान रखने के लिए, और की इंसर्ट यहाँ पे दिया गया है। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा, ये इसका स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, ये इसका स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। ये सॉफ्ट मटेरियल आपको इस पे देखने को मिलेगा। नीचे की साइड फ्लैट बॉटम यहाँ पे दिया गया है, और ये अलग सा एक एलिमेंट मिलेगा जो नॉर्मल फिनिश में दिया गया है। बीच में आपको टाटा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। लेफ्ट साइड पे आपको मीडिया कंट्रोल्स मिल जाएंगे, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको कॉल कट एंड रिसीव, वॉइस कमांड, वॉल्यूम अप एंड डाउन, और ये सब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के यहाँ से सारे फीचर मिल जाएंगे। तो एक आपको इसमें पियानो ब्लैक का एलिमेंट यहाँ देखने को मिल जाएगा इसके स्टीयरिंग व्हील पे। यहाँ की बात की जाए तो सारे आपके लाइट के कंट्रोल इस साइड पे मिल जा रहे हैं, और यहाँ पे आपको ये वाइपर कंट्रोल मिल रहे हैं। तो सिर्फ फ्रंट में यहाँ पे आपको वाइपर देखने को मिल रहे हैं, और ये इसका MID जो फुली डिजिटल दिया गया है यहाँ पे आपको। बीच में आपको डिस्प्ले मिल जाएगी, राइट साइड में आपको फ्यूल एंड टेम्परेचर यहाँ पे दिख रहा होगा, और इस साइड पे दिया गया आपका टैकोमीटर। बीच में स्पीड आपको डिजिटली दिख रही होगी, और सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ देखने को मिल जाती है। तो इसमें आपको ड्राइविंग मोड्स भी देखने को मिल रहे होंगे। अभी ये सिटी मोड पर है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है। तो यहाँ नीचे आपको नॉब दी गई है, इसकी हेल्प से आप सारे मोड चेंज कर सकते हो। सिटी, इको एंड स्पोर्ट का मोड इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये बीप आपको सुनने को मिलेगी जैसे आप कोई मोड चेंज करते हो, तो एक तो आपको बीप सुनने को मिलेगी, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा सिटी मोड और अभी स्पोर्ट मोड। तो यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा, बाकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में आपको देखने को मिल रही होगी। डोर ओपन वार्निंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो बात करें इसके सेंटर कंसोल की, यहाँ पे आपको ये छोटी सी डिस्प्ले दी गई है, जस्ट आप इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं अपनी। थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे है। नीचे की साइड बात की जाए तो ये आपके AC वेंट्स आ जाते हैं। पियानो ब्लैक कलर की यहाँ पे बेजल दी गई है, हर एक AC वेंट पे आपको ऐसे ही पियानो ब्लैक कलर की बेजल देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ की बात की जाए तो ये आगे आपका हैजर्ड स्विच, और नीचे सारे आपके ये मीडिया के कंट्रोल्स दिए गए हैं। वॉल्यूम वगैरह के टॉगल यहाँ पे है, जो इनका फील है काफ़ी टेक्टाइल और अच्छा दिया गया है। यहाँ पे आपको क्रोम का फिनिश देखने को मिल जाएगी इसके सर्कुलर नॉब्स पे। नीचे की बात की जाए तो ये मैनुअल कंट्रोल के साथ आपका आ जाता है, मैनुअल AC कंट्रोल। यहाँ से आप फैन स्पीड और ये मोड्स और टेम्परेचर वगैरह सेट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको इसमें बूट ओपन करने का बटन दिया गया है इस जगह पे, जनरली आपको सीट के आसपास मिल जाता है लेकिन इसमें यहाँ पे दिया गया है। यहाँ भी थोड़ी सी स्पेस है, एक यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, दूसरा USB पोर्ट और ऑक्स वायर की जगह दी गई है, जो मे बी आप बाद में लगवा सकते हैं। तो ये है आपका गियर लीवर, 6-speed गियर के साथ आता है विद रिवर्स। नीचे आपके ये मोड्स चेंज करने के लिए यहाँ पे स्पेस है, कप होल्डर दिया गया है, ये आपकी हैंड ब्रेक है।
यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस है, तो जनरली हायर वेरियंट्स में आपको ये कवर्ड मिल जाएगा विद आर्मरेस्ट। इसमें आपको कुछ ऐसा मिल रहा है, ये सेंटर कंसोल का लुक। सीट्स की बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगी मेरे को, यहाँ भी साइड सपोर्ट आपको मिलती है और यहाँ भी मिल जाती है, तो कुशनिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा आपको इसके अंदर बैठ के। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाएंगे और ये इसके हैं ग्रैब हैंडल्स जो कि सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ आपको मिल रहे हैं, तीनों जगह मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ये मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ इसका IRVM दिया गया है और ये आ जाता है आपका सन ब्लाइंड ड्राइवर साइड पर विद टिकट होल्डर। दूसरी साइड की बात की जाए तो यहाँ पर आपका वैनिटी मिरर भी आ जाता है, इसमें एयरबैग की ब्रांडिंग यहाँ पे की गई है। दो एयरबैग्स आपको देखने को मिल जाएंगे ड्राइवर एंड को पैसेंजर के लिए। जो मटेरियल का यूज़ किया गया है वो काफ़ी अच्छा मटेरियल है, जो प्लास्टिक्स भी आपको मोस्टली यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा प्लास्टिक यूज़ किया गया है। नीचे की साइड पे ये ग्लॉसी एलिमेंट है, यहाँ पे बटन दिया गया है, इसको आप प्रेस करोगे तो आपका ग्लव बॉक्स ओपन हो जाएगा। ग्लव बॉक्स का जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा है, बीच में आपको अलग अलग कंपार्टमेंट मिल जाएंगे अलग अलग सामान रखने के लिए। तो यहाँ पर आपका ये शेर बना हुआ है, तो आप टाटा की गाड़ियों में देखोगे तो वहाँ अलग अलग आपको जानवर मोर वगैरह देखे हुए मिल जाएंगे, बने हुए मिल जाएंगे। तो पीछे की साइड कुछ ऐसा है, काफ़ी डीप ग्लव बॉक्स है, कप होल्डर्स भी इसमें दिए गए हैं, यहाँ पे पेन होल्डर दिया गया, तो कुछ ऐसा है ये। और इसकी जो ओपनिंग है ये भी काफ़ी सॉफ्ट है, तो कुछ ऐसी इसकी सॉफ्ट ओपनिंग आपको देखने को मिल रही है। और ऊपर की साइड अब यहाँ पर आपको ये मिलती है लाइट, ये आपके सनरूफ के कंट्रोल्स हैं, तो इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो वन टच ओपन के साथ आपको ये मिल रहा है और जैसे ही ये सनरूफ पीछे जाता है जो ब्लाइंड है वो भी पीछे पूरा चले जाता है, यहाँ पे इनविजिबल हो जाता है, तो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और अब वन टच क्लोज़ का ऑप्शन भी है, यहाँ पे करते हैं इसको क्लोज़। अब चलते हैं पीछे की सीट पे बैठ के देखते हैं। तो प्लास्टिक डोर हैंडल आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, जो डोर पैनल है कुछ ऐसा मिल रहा है आपको, ब्लैक कलर में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ये ग्लॉसी कलर में मिल जाएगा, ग्लॉसी फिनिश में। अनलॉक हैंडल यहाँ पे दिया गया है, यहाँ भी ये ट्विटर है या पता नहीं क्या, कुछ ऐसा ही दिया गया है। तो नीचे आपको स्पीकर मिल रहा है, यहाँ पे बॉटल होल्डर की स्पेस, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे मिल रहा है, पावर विंडो का बटन, और ये क्लोज़ करने के लिए जो हैंडल है इसकी ग्रिप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये स्ट्रॉन्ग लगा मेरे को काफ़ी। तो अंदर जाना ईजी है काफ़ी, फ्लैट बेंच सीट्स आपको यहाँ देखने को मिलती है, फिक्स्ड हेडरेस्ट यहाँ मिल रहा है आपको, और बीच में ये भी फ्लैट है, कोई आर्मरेस्ट वगैरह कप होल्डर कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो सिंपल दिया गया है ये। अंदर चल के बैठ के देखते हैं इसमें। अब जो इसकी पीछे की सीट्स है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है मेरे को, यहाँ पे लेग रूम भी आपको दिख रहा होगा, आगे की सीट मेरे अकॉर्डिंगली एडजस्ट है, तो मेरी हाइट है 5'7", यहाँ पे लेग रूम और नी रूम दोनों काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है आपको। पीछे की बात की जाए तो यहाँ भी आपको स्पेस मिल रही है, एसी वेंट नहीं मिलता आपको इस वेरियंट में, और बस ये आपको एक स्पेस मिलती है इसमें। और सीट की बात की जाए तो तीन लोग इजीली यहाँ पे बैठ सकते हैं विदाउट एनी इशू। ये आपको थोड़ा सा स्लोपिंग डिज़ाइन में मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपको ये कर्व देखने को मिल रहा है। ऊपर की साइड है सनरूफ जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ मिल रहे हैं और यहाँ पे हुक भी दिया गया है, दोनों साइड ही आपको सेम ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा। तो ये थी पीछे की कुछ सीट्स और ये आगे का लुक कुछ ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। तो ये थी टाटा नेक्सॉन XMS। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।